हटवा दो ये जो स्टोरी है गंगाराम की ये एक्चुअली एक काल्पनिक गांव और काल्पनिक जंगल में सेट किया गया है लेकिन इसका जो प्रेरणा है जो इंस्पिरेशन है वो एक रियल इंसिडेंट है जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसमें हुआ था उसमें पढ़ा था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में 2017 में और तो क्या होता था कि ये देवर सब फैमिलीज जिनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको वो छोड़ आते थे जंगल में जहाँ पे बाघ आके उनको खाते थे और फिर उनकी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करते थे खेतों में कॉम्पिटिशन के लिए तो ये जब पुलिस को पता चला पहली बात हुआ तो वो लोग बोले कि हमने उन्हें नहीं भेजा वो लोग वॉलंटियरली गए हमारे परिवार को गरीबी से बचाने तो ये जो वॉलंटियरली जंगल जाने का जो एक्ट है इससे पहली बात तो ये पूरा पूरा जो चीज है ये मुझे बहुत मैं बहुत ही शौक था और मैं बहुत ही स्टंड हो गया कि ऐसे भी हमारे देश में अभी भी लोग हैं जिनके जिनके लिए आपके हाथों मजर होगा हमारा जाना जो है वो बड़ी बात नहीं है पैसों के लिए वो भी कर सकते हैं तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था और ये जो वॉलेंटरीली जंगल जाने का जो एक्ट है इसको हमने टर्न करके एक सटायर के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की है हमने इनिशियली तो इट इज़ अ सोशल सटायर एंड we have twisted the original story or rather our story is inspired from our original story which is very tragic and morbid but our story jo hai wo uska tone satire ka hai dark humor bhi aap keh sakte hain aur usi tone mein humne ye kahani batayi matlab gangaram jo hai wo voluntarily ja raha hai jungle mein baap ke hath ko matlab baap se khud ko marwane ke liye aur तो ये है बेसिक समरी अभी आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो या हमसे आप हाथ उठाओ थैंक यू यस सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नीडेड समवन जिसको मिट्टी की खुशबू कहते हैं ना समवन हु इज वेरी क्लोज टू योर अर्थ एंड द फेस ऑफ द कॉमन मैन तो ऐसा एक किरदार निभाने वाला ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो ये कर सकता था दूसरी बात यह है इनका जो अभी वर्सेटाइल जो रेंज हम देख रहे हैं कई सालों से गुड़गांव स्त्री और मिर्जापुर सो आई थिंक ये फिनोमिनल रेंज एज एन एक्टर सो ये दो फैक्टर्स अगर आप मिलाओ तो एक ही नाम आपके जहन में आएगा वो पंकज जीता है तो कहानी बहुत तरीके से कहा जा सकता है आप उसको संजीदगी से बोल सकते हो या फिर उसको एंटरटेनिंग ह्यूमरस वे से भी बोल सकते हो हमें लगा कि डार्क ह्यूमर से बोलेंगे तो उसका रीच ज्यादा होगा ज्यादा लोग देखेंगे मायूस करने वाला जो ओरिजिनल इंसिडेंट है उसको हमने पर्पस भी चूज किया कि हम सरकार की फेवर पर रहेंगे ताकि वी कैन रीच मोर पीपल हेलो पंकज सर आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज सर आपसे जानना चाहूँगी इस फिल्म में कि आप सरपंच का रोल निभा रहे हैं तो जब सर ने आपको ये रोल ऑफर किया तो आपका क्या रिएक्शन था और जंगलों में जाके शूट करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत बढ़िया मैं कोलकाता में दशहरा में दुर्गा पूजा में गया था तो दादा मिले वहाँ बताया कि कैसी फिल्म है कहानी है न्यूज मैंने देखा है मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुम करेगी मैं सुना मैं भी थोड़ा चकित हुआ पहले कि अच्छा ऐसा होता है क्या क्योंकि मैं मुझे वाकिफ नहीं था मैं अनअवेयर था इस घटना से तो मैं एक्साइटेड हुआ बोले ठीक है लिखते हैं लिखिए आप फिर
तो 4-6 महीने बाद हम लोग मिले एक ड्राफ्ट के साथ। तो उस तरीके से कहानी मुझ तक आई थी और मुझे भी जंगल से बहुत लगाव है, जंगल से नेचर से। इनफैक्ट हम दोनों को बहुत प्रेम है। एक महीने पहले हमने एक दिन फ़ोन किया इनको, कहाँ हैं आप? तो नागपुर तड़ोबा नेशनल पार्क में थे। बोले तुम कहाँ हो? तो बोला मैं पन्ना नेशनल पार्क में हूँ। तो डायरेक्टर और एक्टर दोनों अलग अलग भारत के नेशनल पार्क में थे उस दिन। तो मुझे भी जंगल से, जानवर से, पेड़ पौधों से बेहद लगाव है। और ये कहानी वही कह रही है कि जो आदमी और जानवर और जंगल के बीच की लड़ाई है, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो उसको सबटेक्स्ट में वही बात है। एक गंगाराम किरदार के बहाने हम वही बात कर रहे हैं। तो मुझे जंगल, जानवर, जीवों से प्रेम है और इस कहानी को करने के बाद और थोड़ा बढ़ा है इनफैक्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो इसका हिस्सा बनते हैं मनोरंजन के संग संग एक सबटेक्स्ट में। मतलब कैप्सूल के ऊपर लेयर तो आप उसे सटायर का और इंटरटेनमेंट का दिखे, लेकिन कैप्सूल के भीतर एक महत्वपूर्ण बात है, एटलीस्ट संवाद शुरू हो। हाय पंकज सर, दिस इज फनी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि आप रियल लाइफ में भी बहुत साधारण इंसान हैं, आप कभी कोई ऐसा नहीं हमने देखा नहीं है, और आपकी मूवीज भी ऐसी रही हैं, आपके सारे सीन्स भी ऐसे होते हैं, कोई भूल नहीं सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर जब आपने ये मूवी करी, जंगलों का सीन है, आपने भी बताया कि आप बहुत प्यार करते हैं जानवरों से भी, तो सर ऐसा कोई सीन हुआ उसमें? क्योंकि जब शेर के ऊपर है तो अगर असली में आपके सामने अगर कोई शेर आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे उस समय? जो करना है वो तो शेर को करना है। शेर आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे? वही इसको जो करना है। सर मतलब आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मेरा नहीं रहा है कभी। अभी पन्ना नेशनल पार्क में मिल गए थे तो शायद उन्हें मालूम था कि हमारे ऊपर इस आदमी ने फिल्म की है। तो बाकी लोग पार्क में घूम रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। हम गए केन रिवर है नदी, केन रिवर मोशन वहीं से शुरू हो गया था। तो वो दो बैठे थे नदी के किनारे और हम पानी में बोट गए तो हम बाघ को देख रहे थे, बाघ हमें देख रहे थे। आधे घंटे दोनों ने एक दूसरे को देखा और किसी ने किसी को परेशान नहीं किया। तो जानवरों को मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति छेड़े नहीं जब तक ना, इस फिल्म में एक संवाद है, ये बोलते हैं कुछ नीरज कवि जी मुझसे बोलते हैं कि उसका पेट भरा हुआ है वो शिकार नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ कि मतलब कि जानवर का जब पेट भरा होता है तो शिकार नहीं करते शेर, पर एक इंसान है पेट भरता ही नहीं। तो यही बात है। तो अब मुझे कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है। और जो थोड़े बहुत वाइल्ड लाइफ मिलते हैं मुझे, मैं सांप वाप से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुझे मालूम है कि जब तक मैं तंग नहीं करूँगा वो भी वजह वो ईगो लेकर नहीं चलते हैं। इंसान ही ईगो लेकर चलता है, जानवर इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। तो यही है। हेलो सर, पंकज सर, दिस इज मानशु फ्रॉम न्यूज। सर आप दोनों से ही मेरा सवाल है सर, जैसे कि हमने अभी जस्ट ट्रेलर देखा तो उसमें सर आप जो है स्कीम के लिए काफ़ी परेशान हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, लेकिन सर इन दिनों हमारे देश में कई गंगाराम परेशान हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। तो सर उस पर आप दोनों की क्या ओपिनियन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देश में अच्छा माहौल नहीं है इस वक्त अग्निपथ स्कीम को लेकर, क्या आप अपने नज़रिए से देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे स्कीम को लेकर? लोकतंत्र में असहमति नहीं, क्या आंदोलन की और क्या क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, क्या शब्द है? नहीं अग्निपथ नहीं, विरोध का। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन मेरा यही देखना है किसी भी प्रकार का आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए, सलीके से होना चाहिए, वो भी एक तरीका है। तो मैं किसी भी आंदोलन को तोड़फोड़ और सरकार की संपत्ति का नुकसान कर रहा हूँ, वही नुकसान कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरे देश की संपत्ति है, वो भी तो हमारी ही है। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अपनी बात रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है और होना चाहिए। सर हेलो सर, राजेश टोटल न्यूज टोटल सर टॉर्च सर, इसमें जो है कि आपने जंगल का जंगल में ज़्यादा जो है कि तो इसमें आपने कहा कि जैसे आप किसी को जानवर या कुछ भी ऐसा या करते हैं, तो हम जानते हैं कि फिल्म में कोई ऐसा कोई सीन आपने ऐसा हो जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ा हो जंगल में या कुछ इस तरीके से, तो ऐसा कौन सा सीन था जो आपको परेशानी? नहीं, हमें परेशान नहीं होना, बस सिर्फ एक सीक्वेंस है जिसमें पेड़ से नीचे गिरना था, 10-12 फीट हाइट का पेड़ था और रात का समय था,
तो बाकी कोई परेशानी नहीं, जंगल में बहुत आनंद आता था। हम लोग तकरीबन 20 दिन थे जंगल में, छोटी फिल्म है, बहुत कम समय में बनी हुई है, बहुत आनंद आता था। मुझे लगा कि अरे 20 दिन की जगह थोड़ा डेट्स और होते तो इसको और थोड़ा लंबा खींचते फॉरेस्ट वाले पार्ट को, बहुत आनंद आता है। आप जंगल में जाओगे ना तो सुबह का माहौल कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है। वो जो चिड़िया ड्यूटी पर निकलती है और जब शाम को चिड़िया लोग वापस लौटती है, वो यकीन मानिए हम जब घर लौटते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जानवरों की दुनिया अंदर। तो वहाँ दिखे बहुत सारे जानवर भी हमें दिखे, तो उन्हें लगा ये लोग कौन आए हुए हैं, दूर से दिखे। एक हाथियों की खबर आती थी कि हाथी एलिफेंट कॉरिडोर था कि यार इधर से हाथी आएंगे जाएंगे, लेकिन कभी हमें दिखे नहीं। हेलो सर, दिस इज निशा जैन फ्रॉम बालाजी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो शेर दिन की कहानी है, क्या ये आम बॉम्बे से कुछ अलग है? आम बॉम्बे बॉम्बे की कहानी से कुछ अलग है क्या? मुंबई मुंबई की मुझे भी कई बार हुआ है फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे हैं नाइट को और दो लाइटमैन चिल्लाते हुए भागे ऊपर से फाउंटेन का इलाका, तो क्या है बोला हमने तेंदुआ देखा, वहाँ तेंदुआ आ जाते हैं। अरे कॉलोनी में आप आए दिन खबर पढ़ेंगे कि तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुस गए, उनको पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा, तो वो लड़ाई तो चल ही रही है। अब यही है कि हम जंगल में घुस रहे हैं कि जानवर हमारे इलाके में घुस रहे हैं, कि हम जानवर के इलाके में घुस रहे हैं, इसी बात को सटाइकल वे में हम कहें। और ये सर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक आदमी जंगल जानवर के बीच एक थोड़ा संघर्ष चल ही रहा है, उससे प्रेरित है वो, एक इंसिडेंट से प्रेरणा लेके ये कहानी बनाई गई है जिसमें सिनेमेटिक ढालने के लिए काफी कुछ है क्रिएटिव है सर ने अच्छी है। सर आपको जो ट्रेलर में हमने देखा, यू हैव एक्सेप्शनली परफॉर्मड एवरीथिंग, एवरीबॉडी कैन रिलेट टू यू व्हाट यू हैव पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन। देयर इज वन ऑफ द सीन्स वेयर इन यू आर स्केयर्ड बाय अ शेर एंड यू टेल दैट एनिमल की यस आई एम शेरविल एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट। व्हाट इज दैट दैट मोटिवेटेड यू और फॉर टू डू दैट सीन इन फ्रंट ऑफ द टाइगर? क्योंकि इन्होंने लिख के दिया था, टाइगर राइटर लिख के दिए थे जब बाघ मिलेगा तो तुमको ये लाइन बोलना है। नहीं, हम रियल बाघ के साथ शूट नहीं करते हैं, हाँ वो एनिमेशन नहीं है, बाघ रियल है, बट वो टेक्निक है फिल्म का, फिल्म मेकर्स या फिल्म स्कूल के बच्चों को मालूम होगा बाघ भी रियल है, मैं भी रियल हूँ, लेकिन वो बाकी सिनेमेटिक तरीके से किया गया है जिसमें हम लोगों को एक दूसरे से डरना नहीं पड़ा। फिल्म की शुरुआत में लिखेंगे कि इसमें किसी जानवर को हमने परेशान नहीं किया है और ना ही जानवर ने हमें परेशान किया है, तो सर को बताएंगे। तो वो संवाद था, बट संवाद क्योंकि किरदार उस मोमेंट पे कहानी में पहुंचा है जहां वो इस स्थिति में आ गया है, वो शेर को ऐसा बोले, तो मैं पहली फिल्म है जिसमें मैं शेर से डायरेक्ट बोल रहा हूँ, काफ़ी बात किया हूँ, बहुत बातचीत है। प्रॉब्लम को आगे लेके आ रहे पूरे विलेज के लिए, आप पूरे विलेज की वॉइस बन के यू आर टेलिंग देम कि हाँ मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा, बल्कि आपकी वाइफ उस चीज को अपोज करती है लेकिन आप फिर भी जाते हो। वो देखो कहानी और किरदार हमेशा अभिनेता से बड़े होते हैं, जिस किस्म का बलिदान गंगाराम दे सकते हैं शायद जीवन में मैं ना दूं, या इनका जो एक्ट है उस एक्ट को लॉजिकल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ लिखना पड़ा, क्योंकि लोग कौन आदमी मारते हैं क्यों जाएगा, बट तो हिंदुस्तान में दुनिया में ऐसी बहुत सत्य घटनाएं हैं जिसको सोचने के लिए तर्क समाप्त हो जाते हैं, क्या इसमें लॉजिक कैसे है? थैंक यू सर। आई एम डिंपल खाबा फ्रॉम क्विक व्यू। सर मेरा सवाल ये है कि एक सीन आता है ट्रेलर के अंदर जिसमें आपकी जो वाइफ है वो आपको रोक रही है, वो कहती है कि और भी लोग हैं, आपको ही क्यों अपनी जान की जो कीमत है चुकानी है, तो आप कहते हैं कि एक को तो अपना बलिदान देना, तो क्यों नहीं मैं इस चीज को करता हूँ? सर ये वाली फीलिंग किस तरह से पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो फीलिंग है और ये जो सेंटिमेंट है ये गंगाराम का जो साइकोलॉजी है इससे जुड़ा हुआ है, और वो बंदा है ही ऐसा
कि वो अपने गांव के लिए अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और उसमें एक नेता बनने की एक सड़क है तो और असली नेता उसे लगता है कि वही है मतलब उसे क्यों लगता है एक्चुअली वही है क्योंकि जो अपने लोगों के लिए अपने आप को सामने ले आए और बलिदान दिए तो ये जो उसका जो ये सनक है इस सनक की जगह से वो ये करता है और मतलब असली घटना जो पीलीभीत में हुआ था वहाँ पे सनक और एक नेता वहाँ पे गरीबी से बचने के लिए वो वॉलंटियर के अंदर गए थे या फिर उन्हें भेजा गया था जो भी लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक हीरोइक ट्विस्ट दिया क्योंकि गंगाराम मेरे लिए वो स्पिरिट का नाम है वो क्या है वो अनुभूति का नाम है जिससे एक बंदा देश के गांव के लिए अपने समाज के लिए ये बलिदान देने के लिए कॉपी करो कॉपी करो सर लेकिन वाइफ को कितना मशक्कत करनी पड़ी आपको मनाने के लिए कि नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि वो मना कर रही है लगातार तो ये तो इसीलिए तो प्रचार करने आए हैं कि देखो आपको पता चलेगी सब यही बता रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है सर नहीं मैं जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सेंसिटिव होता है संवेदनशील होता है सोचता है अक्सर देखा है वो व्यक्ति समाज के लिए भी सोचता है तो गंगाराम वैसे व्यक्ति हैं जिनका और इनके कुछ हैं बहुत सारे फैक्टर हैं तो हम अब पूरी कहानी नहीं बयान कर सकते इसी के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि 24 जून को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में या हो सकता है दूर के सिनेमा घरों में जंगल जाएगा नहीं जाएगा सवाल नंबर 3 क्या गंगाराम को बाघ मारेगा क्या बाघ को गंगाराम मारेगा तो प्रश्न बहुत है इन प्रश्नों का उत्तर 24 जून को एक तो ये कि आपको बदमाशी करना पसंद है ज्यादा या कॉमेडी करना दूसरा सवाल हमारा ये है सटायर के जरिए समाज को एक मैसेज देना कितना मुश्किल काम है सटायर के जरिए समाज को मैसेज देना उतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि प्राइमरली पहली नज़र में लगता है कि कॉमेडी है ह्यूमर हुआ हंसने की बात सटायर का यही असर होता है कॉमेडी और सटायर का इतना ही मुझे लगता है अंतर कि पहली नज़र में आपको लगता है कि हास्य के लिए कोई की हुई घटना है या बात है लेकिन उस बात का हंसने के बाद आपको सोचते हैं थोड़ा सा जबकि कॉमेडी का पर्पस आपको सोचवाना नहीं सिर्फ हंसाना होता है तो सटायर के थ्रू मैसेज देना आसान है और मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि आजकल कोई सिनेमा हॉल में मैसेज लेने नहीं जाता है वो मनोरंजन करने जाता है उस मनोरंजन के कोटिंग में आपने एक मैसेज दे दिया और कुछ टेक अवे मिल गया या एटलीस्ट आदमी सोचने लगा तो सिनेमा का पर्पस सॉल्व हो गया आज आपने मुझे तो कहानी पसंद है वो कहानी अब बदमाशों वाली भी अच्छी हो सकती है ह्यूमर वाली भी अच्छी हो सकती है तो मुझे अच्छी कहानियां पसंद है ऑर्गेनाइजेशन के कारण देखा जा रहा है कि जीव जंतुओं को मतलब वो विलुप्त हो रहे हैं तो क्या इस मूवी में हमें वो भी देखने को मिलेगा और क्या इस मूवी के माध्यम से आपने क्या क्लास स्ट्रगल या वर्क संघर्ष को भी दिखाया जी ये इस मूवी के सबटेक्स्ट में कहानी के सबटेक्स्ट में वो भी है आदमी और जानवर के बीच का जो ये संघर्ष चालू है वो क्यों है तो ये फिल्म देखने के बाद एटलीस्ट एक व्यूअर्स या एक एक्सपर्ट संवाद शुरू हो सकती है क्या कि इसमें सब प्रॉब्लम किधर से है इंसानों की तरफ से है जानवरों की तरफ से है या किसी और तरफ से तो कम से कम ये फिल्म उसी संवाद को शायद मेरे ख्याल से सामने ला दे तो ला दे तो पर्पस वही है कि समस्या अर्बनाइजेशन से है किस चीज़ की है क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है गंगाराम वो भी आप हमारे आपकी तरह साधारण व्यक्ति हैं हम तो फिर भी थोड़े अर्बन मॉडर्न हो गए हैं जो शहरों में रहते हैं वो गांव में रहते हैं उनको दुनिया का बहुत ये नहीं है तो कई दृश्य में कई बातें संवाद के रूप में आती हैं जो इन सब चीज़ों को थोड़ा टच करेंगे थैंक यू